हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्बूस किचन। आज का रेसिपी नान पूरी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नान पूरी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए: 2 कप मैदा, ऑयल, गुनगुना पानी, 1/2 कप खट्टा दही, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच शुगर। मैदा में नमक, शुगर और बेकिंग सोडा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी जो दही लिया वो ऐड कर देती हूँ मैदा में। पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लिया। अभी जो गुनगुना पानी लिया वो ऐड करती जाऊंगी और सब डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मल मल के डो बना लिया। डो को सेट होने के लिए 1 आवर्स रख देती हूँ क्लीन रफ से रैप करके। डो सेट हो गया। अभी और एक बार मल के तैयार कर लेती हूँ। और छोटा छोटा गोला बना लेती हूँ पूरी जैसे चाहिए उसी हिसाब से गोला तैयार कर लेती हूँ। सारे गोला बना लिया। एक गोला उठाया और रोलिंग पैन और बेलन ले लिया। ऑयल ग्रीस कर दिया और नान पूरी बेल के रेडी करूंगी। नान पूरी थोड़ा थिकनेस होता है, ज़्यादा पतला नहीं होता है। ऐसे थिकनेस रहेगा। ऐसे सारे पूरी को बेल के रेडी कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। ऑयल गर्म हो गया। नान पूरी को बेल के रखा था, फ्राई के लिए ऐड कर दिया और फ्राई कर लेती हूँ। नान पूरी कलर चेंज नहीं होता, वाइट ही होता है, तो इसके लिए दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक साइड अच्छी तरह से फूलने को बाद मैं फ्लिप करूँगी ऐसे दबा दबा के फुका देने का। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा फूल के आया। क्लिप कर लेती हूँ। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे ही सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। नान पूरी बन के रेडी हो गया, बिना ईस्ट का बनाया। ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।